आई बीबी जी, वो साहब ये ना मजदूरों से छत से सामान उठवा रहे हैं, चाय देने गई थी, अभी लाती हूँ आपकी दवाई। अल्लाह, तुम गई क्यों नहीं? साहिर, मेरे अंदाजे के सब कुछ बिल्कुल बरक्स हो गया, मुझे नहीं कुछ समझ आया अम्मा जी। हाँ, मुझे तफसील का पता चला, इसलिए बहाने से आ गया मैं। लेकिन तुम किसी की बातों में नहीं आओगी, समझी? मेरे पास नहीं, कुछ नहीं है फिलहाल तो, बिल्कुल भी नहीं। और तुमने ही तो मुझे कहा था कि इस घर से जाना तो सारे ताल्लुक खत्म करके जाना। अब जिसने मुझे तलाक देनी है उसी का कुछ आता पता नहीं है, वो घर पर नहीं है। अगर होता तो क्या अम्मा जी के कहने पर तलाक जेब से निकाल के सामने रख देता? ये जो भी औरत है ना तुम्हारे गांव से जो आई है, जिसने तुम्हारे सरिये बला डाली है, उस पर जोर डालो, उससे कहो वो तुम्हें यहां से आजाद कराए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर तुम अभी और इसी वक्त उसके साथ यहां से जाओगी, ताकि घर वालों को भी पता चले कि तुम यहां घर बसाना ही नहीं चाहते। साहिर, शाम हो रही है और अम्मा जनते की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा जी ने उन्हें सुबह तक यहीं रोक लिया है, सुबह तक शायद वो भी लौट आएगा। लेकिन अम्मा जी भी नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं भोले के साथ, और मुझे यकीन है इस बात का कि जब मैं उन्हें अपनी मर्ज़ी बताऊंगी ना तो वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोकेंगी। अगर मगर क्या मसला क्या? अगर वो मेरी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रही हैं, और वो ठीक भी है ना साहिर, तो तुम उनसे मिल लो। मैं मिल लूं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अब अपने आशिक को ले जाके सामने खड़ा कर दोगी, फिर तलाक मांगोगी? तुम किसी के निकाह में हो और मैं उस घर में खड़ा होकर रिश्ता मांगते हुए कैसे लगूंगा जहां मेरी पहले से शादी की बात चल रही है। हाँ तो तुम्हें ये किस्सा खत्म करना है कि नहीं? तुम अपने हिस्से का किस्सा निपटाओ, मैं ये किस्सा अपना बाद में खत्म कर लूंगा। इस वक्त मेरा सामने आना तुम्हारी हमदर्दियां कम कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं अम्मा जी को इस बात की तसल्ली दे दूंगी कि कोई है जो मेरा हाथ थामेगा। ठीक है, अगर वो तुम्हें साथ ले जाने पर राजी होती हैं तो बता देना, लेकिन खबरदार मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा हूं वो यहीं पर ढंडोरा पीट देंगी। तुम्हारी तो जो थू थू होगी सो होगी, मेरी इज्जत का कचरा निकल जाएगा। अब जाओ यहां से।